तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में किस तरह एक नवयुवक को न सिर्फ पीटा गया बल्कि उसका मोबाइल फ़ोन भी छीन कर तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, वीडियो में युवक को पीटने और उसका मोबाइल फेंक कर तोड़ देने वाला शख्स कोई किसी थाने का सिपाही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के DM महोदय हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं Time24 न्यूज़। दोस्तों ये वीडियो छत्तीसगढ़ राज्य का है जिसमें DM साहब इस कदर दबंगई पर उतर आए हैं कि उन्होंने न सिर्फ एक नवयुवक की जमकर पिटाई की बल्कि उसका मोबाइल फ़ोन भी तोड़ दिया। सबसे पहले आप इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि वीडियो में जिस शख्स को पीटा जा रहा है उसका क्या गुनाह था और कलेक्टर साहब के इस कारनामे के बाद मुख्यमंत्री ने आखिर क्या कदम उठाया। दरअसल ये वीडियो छत्तीसगढ़ के सरगुजा सरभांग के सूरजपुर जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा का अमानवीय चेहरा दिखाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुआ और वायरल वीडियो में कलेक्टर रणवीर शर्मा एक युवक को थप्पड़ मारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कलेक्टर रणवीर शर्मा पर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूरजपुर कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी है। CM बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर के कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। यह बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन लगाया हुआ है। इस दौरान लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने पर मना ही है। वहीं शनिवार को दोपहर एक युवक दवाई की पर्ची हाथ में लेकर दवाई लेने मेडिकल स्टोर जाने के लिए निकला था। रास्ते में उसे सूरजपुर के कलेक्टर रणवीर शर्मा ने रोक लिया और COVID-19 के नियमों की अनदेखी करने पर उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान युवक दवाई की पर्ची दिखाता रहा लेकिन कलेक्टर साहब ने उसकी एक न सुनी और युवक का मोबाइल छीन कर उसे सड़क पर पटक दिया। फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार ने मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई करते हुए DM को उनके पद से हटा दिया है। दोस्तों DM द्वारा किए गए इस कारनामे को लेकर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप चाहते हो कि जब गोदी मीडिया सूचनाओं को आपसे छुपा रहा हो तो हम आप तक सच पहुँचाएँगे, तो आप उसके लिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करके हमारे साथ खड़े हो जाइए और हमारे हाथ मजबूत करें ताकि हम हमेशा छुपे हुए सच को आपके बीच लाते रहें और हमेशा आपकी आवाज़ उठाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लिंक को शेयर करके आप भी सच की इस क्रांति में हमारे सहभागी बन जाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।